नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि सब्जियों के फसल में सोलेनेशियस ग्रुप मतलब टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, ये जो सारी फसलें हैं इसकी बड़ी मात्रा में खेती होती है और इसकी जो डिमांड भी है पूरे वर्ष पूरे साल तक रहती है और इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। इसी वजह से इन फसलों के जो रिटर्न्स है इसकी उपज से हमें जो फायदा होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान भाई इन फसलों के लिए अभी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन जब कोई भी फसल का रकबा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और अलग अलग समस्या इसमें आती है, तो हमें एक जानकारी लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें हम कौन सी सावधानी लेनी चाहिए ये सोचना भी हमारा काम है। ऐसी एक समस्या है, जैसे आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन जो रोग है, कीट है, और रोग में भी अलग अलग, जैसे विषाणु रोग है, फफूंद से आने वाले रोग है, कीटों में भी अलग अलग है, फिर माइट्स है, इसकी समस्या जैसे बढ़ रही है और जो किसान को काफ़ी परेशान कर रही है, किसान का खर्च भी बढ़ रहा है, उसी तरह से एक और समस्या इन सोलेनेसियस ग्रुप में मतलब टमाटर, मिर्च, बैंगन, इन सारे फसलों में बढ़ रही है, वो है सूत्रकृमि की समस्या, निमेटोड्स या सूत्रकृमि। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक या बहुत आंखों से दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, जमीन में रहने वाले एक ऐसे कीट एक तरह से होती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है और इनमें कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रकोप होने वाला जो है वो उसको हम कहते हैं रूट नॉट निमेटोड, मतलब जड़ों के ऊपर गांठे बनाने वाला ये सूत्रकृमि है। ये इसका प्रकोप बहुत सारे टमाटर और बैंगन वाले किसान भाई या मिर्च लेने वाले किसान भाइयों ने हमारे पास लाया है कि यह समस्या बढ़ गई है और इसका निदान हमें कैसे करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे तो एक बात हमको करना चाहिए कि यदि किसी खेत में इसका प्रकोप हमें पहले दिखाई पड़ा है तो उस क्षेत्र में या उस खेत में कम से कम 2 साल तक इसी वर्ग की फसल ना ले। मतलब यदि मिर्च की या बैंगन की फसल है तो उसी में आप कोशिश कीजिए कि फिर टमाटर हम नहीं लगाएंगे, 2 साल दूसरे खेत में लगाएंगे, क्योंकि ये जमीन से फैलने वाला है और उसी ग्रुप की, उसी फैमिली की जब फसल वहाँ आ जाती है तो आसानी से उसके ऊपर प्रकोप कर सकता है और नुकसान कर सकता है। इसमें होता क्या है, ये जब जड़ों के ऊपर गांठे बना देता है तो जड़ों से जो पानी और अन्न जो जाता है पौधों को ऊपर तक, पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों हमारे पौधे के बढ़वार के लिए, उसमें रुकावट आ जाते हैं और पत्ते अचानक सूखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक शुरू की अवस्था में तो पौधा अच्छा चलता है, लेकिन जब ये निमेटोड्स उस गांठों में बढ़ते हैं तो अचानक से हम देखते हैं कि हमारे पत्ते सूखने लगे और उस समय तक देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें एक काम और करना चाहिए, जैसे कोई एकाध पत्ता हमको सुखाई पड़े, एक आधा पौधा हमको दिखाई पड़े तो उसका तुरंत निरीक्षण करें, उसको निकाले उसके जड़ों को, और अगर यदि गांठ दिखाई पड़े तो पूरे खेत में कार्बोफ्यूरान नामक एक कीटनाशी आती है ग्रैनुलर, उसको प्रति एकड़ 13 से 14 किलो तक हम जमीन में डाल सकते हैं और नमी हो उस समय, जिससे कि वो फ्यूमीगेंट एक्शन होता है जिसमें से एक गैस पैदा होती है जिसके वजह से निमेटोड खत्म हो सकते हैं। दूसरा, हमें आगे जो फसल लगाने वाले हैं उन किसानों भाइयों को यह करना चाहिए कि ऐसे केस में जिसमें हम टमाटर, बैंगन, मिर्च या शिमला मिर्च लगाने वाले हैं, उस खेत में नीम की खली या नीम सीड पाउडर का जरूर प्रयोग करें। उसके साथ में जैविक जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और पेसिलोमाइसिस, ये जो फफूंदनाशी है मतलब जैविक है, इनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से आप इसको खाद के साथ में, वर्मी कंपोस्ट साथ में मिला करके खेत में डाल सकते हैं, या आप बाद में भी ड्रेंचिंग पौधे लगाने के बाद में इसकी कर सकते हैं अगर लिक्विड फॉर्मुलेशन है तो। अगर पाउडर फॉर्मुलेशन है तो इसको 1 लीटर पानी में 5-5 ग्राम इसको मिला करके आप पौधों के जड़ों के पास ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि केमिकल और जैविक दोनों एक साथ ना मिलाए, ये बात बाद में दे सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, एक और आपको शायद पता होगा कि ये जो फ्रेंच मेरीगोल्ड रहता है, गेंदा रहता है, छोटा वाला गेंदा, उसकी जो जड़ें हैं उनमें से एक ऐसे कुछ केमिकल्स स्रवते हैं जिसके वजह से ये जमीन में जो सूत्रकृमि है
उनका नाश होता है, उनको ये बढ़ने नहीं देते, तो उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसे खेत में जहाँ इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है, वहाँ इस फसल को न लेते हुए गेंदे की खेती उसमें करें कुछ एक या साल दो साल, और उसके बाद में फिर अपनी फसल लें। और जो खेत में हम पौधा बैंगन हो चाहे मिर्च हो चाहे टमाटर हो लगा रहे हैं, तो उसके बीच बीच में और बॉर्डर से आप इसको गेंदे के जो पौधे ज़रूर लगाएं, जिसके वजह से इसका प्राकृतिक रूप से कुछ बंदोबस्त हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सावधानियां हैं जो हमको चाहिए। इसके बाद में भी कुछ ऐसे और नेमेटिसाइड्स भी आ गए हैं, लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है और श्योरिटी नहीं रहती कि इससे निमेटोड्स का नुकसान होने के बाद में ये फिर फसल अच्छी हो सके। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको प्रिवेंटिव, मतलब इनका प्रकोप होने से पहले ही जितना अपने फसल को बचा सके उतना कोशिश करो। तो जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं उसका आप ज़रूर ध्यान दीजिए। सूत्रकृमि का आप प्रयोगशाला में निरीक्षण भी करने के लिए सैंपल भेज सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ये समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए हमको सावधानी लेनी चाहिए। प्रिवेंटिव या सुरक्षित खेती के लिए इसको हमें ध्यान देना चाहिए, खास करके जो पॉली हाउस या नेट हाउस में जो खेती हो रही है, जहाँ सनलाइट की कमी होती है वहाँ निमेटोड्स की संभावना बढ़ती है। इसलिए खेत उसमें वो ज़मीन का आप पौधे लगाने से पहले ही जैविक फफूंदनाशी और जो ऐसे तत्व है जिनके वजह से ये निमेटोड्स का प्रकोप नहीं हो सकता है, उनका प्रयोग आप कीजिए।